गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सूरज सर। हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और ये हमारा सिविक सेक्शन है, चैप्टर नंबर 5, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरियाज। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़े थे। वी हैव स्टडीड अबाउट द पंचायती राज सिस्टम इन आवर प्रीवियस चैप्टर, जहाँ पर कि 3-tier system था। कौन कौन सा था? पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद, जिसे हम लोग 3-tier system कहते हैं पंचायती राज का। सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन द अर्बन एरियाज। अब जो अर्बन एरियाज है, यानी कि शहरी इलाके हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो है वो वर्क करते हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो जैसे कि शहर हो गया, सिटीज़ हो गया, या फिर मेट्रोपोलिसेस हो गए, ठीक है, जिला हो गया, जिला से बड़े जो ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं वो, या फिर जो महानगर होते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ के सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में हम लोग, उनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस विल इंक्लूड द स्टडी ऑफ नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कमिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो अगर हम लोग अर्बन एरियाज़ की बात करें, तो यहाँ पर का जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट द नगर पंचायत, सेकेंड वन इज़ म्यूनिसिपल कमिटीज़, एंड द थर्ड वन इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को। तो दीज आर द मेन इंस्टीट्यूशंस इन द अर्बन एरियाज। इसी तरह से कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं अर्बन एरियाज में, जैसे कि नोटिफाइड एरिया कमिटीज, टाउन एरिया कमिटीज एंड कंटेनमेंट बोर्ड्स एंड द पोर्ट ट्रस्ट। ये सारे कुछ और इसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बट मेनली हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के बारे में। तो लेट स्टार्ट्स आवर फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस विच इज़ नगर पंचायत। दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ अर्बन एरियाज, सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। नगर पंचायत इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। शहरी पॉपुलेशन में नगर पंचायत जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जिस तरह से रूरल एरियाज में हम लोगों ने देखा था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता था, ग्राम पंचायत होता था, यहाँ पर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नगर पंचायत है, ठीक है। एरियाज विच आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्राम रूरल टू अर्बन सेंटर्स आर नोन एज टाउन्स। टाउन यानी जिला जो है वो किसे कहेंगे, वैसे एरियाज जो कि रूरल से अर्बन सेंटर्स के तरफ बढ़ते जा रहे हैं, चेंज होते चले जा रहे हैं, यानी जो गांव है वो धीरे धीरे शहरों में तब्दील होते चले जा रहे हैं, वैसे एरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, टाउन्स बोलते हैं, जिला कहते हैं, ठीक है। जनरली अ टाउन इज़ बिगर दैन अ विलेज बट स्मॉलर दैन अ सिटी। टाउन जो होता है वो गांवों से बड़ा होता है और सिटीज़ यानी कि जो बड़े शहर होते हैं उनसे छोटा होता है, ठीक है। तो इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, इन द टर्म ऑफ डेवलपमेंट अगर हम बात करें, तो सिटीज़ जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होती है, ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है और ज़्यादा लार्ज एरियाज में फैले हुए होते हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ टाउन, है ना। टाउन के मुकाबले जो है वो ज़्यादा बड़े होते हैं सिटीज़। नाउ द मेंबर्स ऑफ नगर पंचायत आर इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द रीजन। अब नगर पंचायत में जो मेंबर्स को हम इलेक्ट करेंगे, उनका जो चुनाव करेंगे, वो कौन लोग कर सकते हैं? तो मेंबर्स मस्ट, जो भी यहाँ के पर्सन है, जो भी सिटीजन्स है उस शहर के, उस टाउन के, वही यहाँ के
मेंबर्स ऑफ नगर पंचायत का इलेक्शन करते हैं, और जो जो भी लोग एज ए नगर पंचायत के मेंबर के रूप में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए क्राइटेरिया क्या है एज का, कि वो मिनिमम 20 इयर्स ऑफ एज के हो चुके हों, यानी 21 साल या 21 साल से ज़्यादा के जो पर्सन है वही एज ए कैंडिडेट नगर पंचायत के खड़े हो सकते हैं इलेक्शंस में। और हम लोग देखते हैं कि नगर पंचायत का फंक्शंस क्या क्या होता है, इसके मेन फंक्शंस पर हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इज इट कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। फर्स्ट फंक्शन ये है नगर पंचायत का कि नगर पंचायत के अंडर में जितने भी पॉपुलेशंस है उसमें बर्थ और डेथ, ठीक है, इन दोनों का रिकॉर्ड उनको रखना है, कलेक्ट करना है। ये मेन फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है नगर पंचायत का। नाउ द सेकंड फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स सिविक एमिनिटीज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। सिविक एमिनिटीज़ का मतलब हुआ कि जो भी यहाँ के नागरिक हैं उनको मिलने वाली जो सुख सुविधाएं हैं, जैसे कि साफ पानी की व्यवस्था करना, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना, बेटर हेल्थ की, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनका सॉल्यूशन करना, जैसे कि हॉस्पिटल्स खोलना, स्वास्थ्य केंद्र खोलना, इन सारे चीज़ की व्यवस्था करने का काम किसका है, नगर पंचायत का है। नाउ द थर्ड फंक्शन ऑफ नगर पंचायत इज इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। जो भी टाउन्स, सिटीज़ या फिर मेट्रोपॉलिटन एरियाज है उसके अंडर में जो भी रोड्स आते हैं तो वहाँ का जो नगर पंचायत है उसका काम होता है कि वो उन रोड्स का मेंटेनेंस कर सके, और जो भी नई सड़कें बनानी हो, पुराने सड़कों का मरम्मत करवाना हो, ये सारे काम करना किसका काम है, नगर पंचायत का काम है। नाउ द फोर्थ फंक्शन ऑफ नगर पंचायत इज इट ऑल्सो ओपन्स पार्क्स, प्राइमरी स्कूल्स एंड डिस्पेंसरीज। द जो भी वेलफेयर से रिलेटेड वर्क हो गया, चाहे हमारे सोसाइटी से रिलेटेड वर्क हो गया या फिर इंडिविजुअली कोई वर्क हो गया, वो सारे नगर पंचायत के लोग करेंगे। तो अगर पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो हमारे यहाँ के सिटीजन्स को जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, बेटर फैसिलिटीज़ फॉर द एंटरटेनमेंट, फॉर द एजुकेशन, इन सारे या फिर हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि हमें नगर पंचायत पार्क जो है वो खोल सकती, बना सकती है, प्राइमरी स्कूल्स ओपन कर सकती है, डिस्पेंसरीज इस्टेब्लिश कर सकती है, ये सारे किन के लिए होगा, वहाँ के सिटीजन्स के लिए होगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस है किसके, नगर पंचायत के। तो ये सारे काम नगर पंचायत करेगी कैसे, कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम उनके पास होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा नगर पंचायत का, उस पर हम लोग देख लेते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम में अगर हम देखें नगर पंचायत का, तो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती है, हम लोग ग्रांट के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्रांट क्या होता है, एक तरह से अनुदान जो मिलता है, कुछ फंड जो मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नगर पंचायत को, उसके वो नगर पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम होता है। रेदर दैन दिस द सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम विल बी इनकम फ्रॉम टैक्सेस लाइक हाउस टैक्स, बिल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स, व्हीकल टैक्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो जो भी टैक्सेस वसूलती है नगर पंचायत, चाहे वो हाउस टैक्स हो, बिल्डिंग टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, व्हीकल टैक्स हो, और भी वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट हमसे वसूलती है, उन सारे टैक्सेस से मिलने होने वाला जो इनकम है वो सोर्स ऑफ इनकम का पार्ट होगा नगर पंचायत का, जिसके बाद वो हमारे बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए उनका यूज़ वो करती है, ठीक है, चाहे रोड बनाने में करे, एजुकेशन के सेक्टर में स्कूल्स बनाने के लिए करे, ठीक है, या फिर कोई पार्क बनाने के लिए करे, हेल्थ से रिलेटेड जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो बनाने में करे। तो ये सारे काम जो है वो नगर पंचायत करती है उनको मिलने वाले गवर्नमेंटल फंड के द्वारा, या फिर जो भी उनको एज ए टैक्सेस वो वसूलती हैं उनका इस्तेमाल करती है
पब्लिक को बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ अर्बन एरियाज, द एंड वी हैव लर्नड टुडे द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस नेम्ड नगर पंचायत, द मेन फंक्शन ऑफ नगर पंचायत एंड द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नगर पंचायत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेकेंड इंस्टीट्यूशन म्यूनिसिपल कमिटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के बन सकते हैं तो उन्हें आप बना लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।